subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. कैसे होने वाला है और ये कैसे हो सकता है कि कैसे एक छोटी बच्ची अपनी आखिरी सांसें लेगी, वो भी लवली के सामने। जी हाँ, लवली होने वाली है बहुत ही ज़्यादा परेशान और लगने वाला है सदमा, क्योंकि कुल्फी कुमार बाजेवाला का सबसे ट्रेजेडी वाला ट्रैक आने वाला है, जहाँ अमायरा की इतनी गंभीर कंडीशन है कि अमायरा अपने आप को ऐसा महसूस करेगी कि वो बेजान है और वो बिस्तर पर बस पड़ी हुई है। और आने वाले दिन तो लवली के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमायरा की मौत से लवली को पछतावा होगा और लवली समझ जाएगी सब कुछ कि जो कुछ भी उसने ममता की आड़ में किया वो सब एक पागलपन था, ना कि एक माँ का प्यार, क्योंकि एक माँ का प्यार इतना कठोर नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे की ही जान ले ले। क्योंकि आने वाले दिनों में अमायरा की मौत हो जाएगी। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट से इस तरह की ही खबरें आ रही हैं, जब अमायरा मर जाएगी और अमायरा का सफ़र इतना ही रहेगा लवली के साथ, जहाँ लवली रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेगी, लेकिन लवली अमायरा के जाने के बाद कुछ अच्छा कर लेगी, जहाँ वो कुल्फी और सिकंदर को मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। पर कैसे अमायरा की मौत के बाद लवली को होगा अपनी गलतियों का एहसास? क्या अमायरा जाने से पहले लवली को कुछ बातें कह जाएगी और उन बातों से क्या लवली का दिल पिघल जाएगा? क्या एक ममता का दिल इतना कठोर होगा कि वो दूसरी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि अमायरा तो चली जाएगी तो कुल्फी रहेगी, और कुल्फी और सिकंदर को मिलवा देगी अगर लवली, तो लवली ने जितने भी पाप किए हों कहीं उसमें थोड़ा गिरावट आ जाए या फिर थोड़ी सच्चाई आ जाए उसके दिल में, जो कि उसका दिल एकदम करेले की तरह, जहर की तरह भर चुका है। तो आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।